आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की ओर से कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम बशीरपुरा में कुटिया संत मोहन बाबा जी निष्काम सेवा ट्रस्ट में मनाया गया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के पंजाब प्रधान किशन लाल शर्मा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध के सभी वीर सेनानियों का स्मरण करता हूँ। आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। देश की अखंडता को अक्षुण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। शर्मा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, शौर्य, पराक्रम व राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भारतीय सेना की यह विजयगाथा देशवासियों को सदैव गौरवान्वित करेगी। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सभी राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को बरकरार रखने का संकल्प लें, यही कारगिल शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर संत बाबा मोहन सिंह जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के जलंधर जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा, देवकी नंदन ठुकराल, सुरिंदर सिंह, प्रीतम सिंह सिंगरजनीश शर्मा, मुनीश राजपूत, गुरदेव सिंह देवी, मनिंदर सिंह, गगनदीप, कमल ग्रोवर, हनी दादर, मोनू शर्मा व अन्य मौजूद थे। खुशबू पंजाब दी के लिए जलंधर से सुखविंदर सिंह और सूरज की विशेष रिपोर्ट। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच वालों कारगिल दे शहीदां नू श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिन्होंने 22 साल पहला कारगिल दे विच विजय प्राप्त की है। एक अज गीत बोलेंगे केशव शर्मा जी, किसी ने पीछे पीछे नहीं बोलना है केशव जी। वीर शिवा के वंशज हो, फिर रोष तुम्हारा कहाँ गया, बोलो राणा की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहाँ गया। ओ वीर तुम्हारे कदमों से सारी धरती थर्राती थी, सागर का दिल हिल जाता था, पर्वत की धड़कती छाती थी। अब चाल में सुस्ती कैसी है, क्यों पाम है डगमग डोल रहे, कुछ करके नहीं दिखाते हो, केवल अब मुंह से बोल रहे। दुश्मन को मार गिराने का आक्रोश तुम्हारा कहाँ गया, बोलो राणा की संतानों, वह जोश तुम्हारा कहाँ गया, वह जोश तुम्हारा कहाँ गया। सर आज फंक्शन कीता तो जानकारी दे जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच पंजाब प्रांत वालों कारगिल विजय दिवस का एक कार्यक्रम बशीरपुरा विच मनाया गया, जिदे विच लगभग 22 साल पहला कारगिल दे विच भारतीय सैनिक शहीद होए, अपने तिरंगे की शान की खातर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच समय समय से ऐसे कार्यक्रम आयोजित असी करते हाँ, ताकि साड़ी जिहड़ी आने वाली नौजवान पीढ़ी है कारगिल दे शहीदां तो प्रेरणा ले कि आपां जीना भी भारत माँ लई है और मरना भी भारत माँ लई है। कारगिल दे शहीदां ने एक संदेश दिता भारत वासियां नूं, किसे कीमत ते भारत दा तिरंगा नहीं चुकन देना, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। इस करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच वालों एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के कार्यकर्ताओं ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और नौजवानों को कहा है कि आओ आप कारगिल के शहीदों के इस दिहाड़े से आप भी संकल्प लईए, असी भी मातृभूमि लिए कुछ करिए, ताकि साडा भारत देश
विश्व गुरु बन सके, असी देश लिए कुछ करिए। जिहड़ियां विदेशी ताकतां भारत देश नूं तोड़ना चाहुंदियां ने उहनां नूं मूंह तोड़ जवाब जा सके। और भारत देश विश्व गुरु तां ही बनेगा इदां दे क्रांतिकारी साहसी वीर योद्धावां ने अपने बलिदान दे के कारगिल दे विच विजय प्राप्त की। इसी तरह पूरे विश्व दे विच आपां विजय प्राप्त करन लई राष्ट्र दे हित वास्ते राष्ट्र विरोधी ताकतां जिहड़ियां भारत देश नूं तोड़ना चाहुंदियां ने उहनां दे खिलाफ़ एकजुट होकर कम करिए। यही कारगिल दे शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत।